और ये एक कढ़ाई है। Hi guys, this is Mahak and मैं जम्मू एंड कश्मीर से हूँ। This is my first vlog on YouTube। तो ये vlog मेरी daily life पे based है। Like आज मैं जो भी दिन भर में करती हूँ वो सब मैं record करूँगी। Actually मैंने पहले shoot किया है, I mean करके post भी कर चुकी थी मैं, but किसी reason की वजह से मुझे वो delete करना पड़ा। But कोई नहीं, आज मैंने फिर से start किया है, so let's see क्या होता है। तो अभी मैं अपने रूम में हूँ, मुझे बाहर जाना है तो मैं बाहर जाके स्टार्ट करती हूँ। बाहर आते हुए कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है मेरे घर पे एंड शी इज़ माय मॉम। तो मैं ये कह रही थी कि आज मेरे पास कुछ करने के लिए है नहीं है, तो मैं क्या करूँ मुझे खुद नहीं पता है आज। मतलब बहुत बहुत बोरिंग सा दिन रहता है मेरा एंड इन दिनों में थोड़ी लेज़ी भी थी, तो पता नहीं क्या होगा क्या करना है। बट कोई नहीं, कर लेते हैं शूट। बट मेरे और मेरी बहन ने प्लान किया कि हम लोग आज बाहर जाएंगे कहीं पे कुछ खाने पीने, तो आई गेस कि मुझे अब रेडी होना चाहिए। सो माँ हाय करो। दिस इज़ माय मॉम, शी इज़ माय लाइक अ बेस्ट फ्रेंड। तो मैं बहन को बोलती हूँ रेडी होने के लिए, देन आपको मैं बताती हूँ। फाइनली वो आर रेडी। सो ये मेरा भाई है और ये एक भाई है। तो हम दोनों जा रहे हैं बस। सो शी इज़ माय सिस्टर। अभी हम लोग बाहर जाते हैं, देन आपको मैं बताती हूँ आगे का। मैं घर से बाहर आ चुकी हूँ, तो अभी मैं अपनी छोटी बहन का वेट करती हूँ। उसको पता नहीं, आई गेस कुछ रह गया था अंदर। सो ये भी आ चुकी है, तो अब हम जा रहे हैं। ये सानिया के दो दोस्त हैं। हाय हेलो। तो एक्चुअली यार कल मैंने व्लॉग बनाया था, वो बहुत अच्छा मतलब था भी, बट मुझे किसी रीज़न की वजह से डिलीट करना पड़ा। मतलब कितना बुरा लगता है ना, आप एक व्लॉग शूट करते हो फिर रात को उसे एडिट करने के लिए बैठते हो, सुबह 5 बजे तक आप बैठ के एडिटिंग करते हो एंड देन आप पोस्ट भी कर देते हो, उसके बाद आपको डिलीट करना पड़ता है। इट्स टू हर्ट, बहुत बुरा लगा था मेरे को। जब मार्केट में पहुँच रहे तो मेरी बहन ना कुछ पब्लिक को देख के ऐसे बोल रही है बंद कर दे बस कर दे, तो फिर कह रही है कि ऐसे जो बड़े बड़े ब्लॉगर्स होते हैं ना, मतलब वो भी ऐसे शूट नहीं करते। तो मतलब यार मैं हरी बेशरम, तो आई डोंट केयर। पहुँच चुके हैं, तो मैं जब भी कहीं बाहर जाती हूँ तो मैं मास्क लगा के रखती हूँ, स्पेशली जब जहाँ पे ज़्यादा क्राउड हो, लोग वगैरह हों, तो वहाँ पे मैं मास्क लगाती हूँ। तो यहाँ की मार्केट कुछ इस तरह की है। मिल गया फाइनली हमें सुनानी का। हम जा रहे हैं, उस जगह का नाम सैलानी ही है, आपको देख सकते हैं। तो यहाँ के ऑटो कुछ इस तरह के होते हैं। ये ऑटो कितना फुल है, मतलब फिर भी इन्होंने और बंदे को बैठा लिया। यहाँ के ऑटो ऐसे नहीं होते हैं कि एक बैठेगा या दो बंदे बैठेंगे, यहाँ डायरेक्ट 8-9 बंदों का बैठना होता है। तो अभी हम लोग पहुंचते हैं, तो मैं आपको आगे का दिखाती हूँ, तब तक लिए बाय। दूर आई 10 रुपये में, तो एक ये फ़ायदा हो सकता है। तो एक ही अच्छी चीज़ होती है यहाँ पे कि 10 रुपये में ऑटो पहुँचा देता है आपको इतनी दूर तक, वरना बाहर तो मतलब कहीं भी आप ऑटो लेते हो तो आपको पता ही है
और वहाँ पे ये भी होता है ना कि मतलब एक ही पैसेंजर होता है जिसको लेके जाना होता है, यहाँ पे तो मतलब ऑटो में ऐसा होता है कि 8-9 लोगों को बिठाया जाता है ऑटो में, तो दैट्स व्हाई 10 रुपये लिए जाते हैं। हम रॉन्ग साइड चल रहे हैं एक्चुअली, हमें उस तरफ चलना है, तो अभी हम क्रॉस करते हैं और दूसरी तरफ जाते हैं। ये भैया नहीं मारना हमें, अभी आज फर्स्ट व्लॉग की शूटिंग है भैया, ऐसे नहीं कर। तो हम पीछे वहाँ से चल के आए हैं, तो मैंने बीच में से कैमरा बंद कर दिया था क्योंकि थोड़ा ज़्यादा चलना पड़ रहा था, तो मैंने सोचा क्या ही दिखाऊं। तो जहाँ हमें आना था हम वहाँ पहुँच चुके हैं, तो मैं दिखाती हूँ, आपको दिख ही रहा होगा, यहाँ जाना है हमें किंगडम ऑफ मोमोज ग्रिलिन। देखने में कुछ अंदर आने से पहले आपको थोड़ा डर लगेगा कि ये तो भाई कैसा सुनसान सा है, बट ऊपर जाके आपको एक रोशनी की किरण दिखाई देगी। तो हेलो रजौरी, हम आगे फाइनली फाइनली आई डोंट नो कुछ कपल्स वगैरह भी होंगे, सो ऐसे मैं नहीं दिखा सकती, तब तो मैं अनकम्फर्टेबल लग। हाय सानिया, मैं ऑर्डर करवाती हूँ एंड देन उसके बाद मैं कुछ बताती हूँ आपको इंटरेस्टिंग, कि अभी तो मुझे भी कुछ इंटरेस्टिंग नहीं मिला अब तक, सो ऑर्डर करवाते हैं देन मैं आती हूँ उसके बाद। फाइनली हमारा ऑर्डर आ चुका, ऑर्डर आके बताती हूँ कैसा है, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम ही पास्ता खा रही हूँ यहाँ पे, ऐसे मैंने यहाँ मोमोज पिज़्ज़ा वगैरह खाया है ठीक है, बट पास्ता नहीं कभी खाया। सच बताऊँ तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इस पास्ते को 10 out of 5 मिलेंगे, बिकॉज इसकी वाइट क्रीम एकदम बकवास है, बिल्कुल अच्छा नहीं है, बट क्या कर सकते। हमने कुछ ज़्यादा ही खाने को मंगवा लिया, अभी एक और पास्ता आ रहा है वेज पास्ता, ये नॉन वेज था। हमारा अभी हमारा नॉन वेज ख़त्म नहीं हुआ और उसके बाद में ये भी है चिकन पॉप्स, क्या कर सकते हैं। तो जिसका रिव्यू दे रहा था यहाँ का बर्गर, हमने ये एक ही मंगाया था, मुझे लगा बर्गर अच्छा नहीं होगा, बट यहाँ का बर्गर सच में टेस्टी है। तो अगर आप यहाँ कभी भी आए तो यहाँ के बर्गर जरूर खाएं। अभी ये भी है, मैंने क्या सोच के इतना सब कुछ ऑर्डर कराया था, एक्चुअली हम दोनों
को भूख लगी हुई थी, तो रीज़न है सही, तो हमें लगा हम खा लेंगे। अभी हमने खा लिया है तो अब हम क्लीनिंग करवाने जा रहे हैं। चल उठ। तो अब हम जा रहे हैं फाइनली घर की ओर। तो सानिया जल्दी आ, हम लेट हो गए हैं। तो अब आपको मेरा चेहरा मास्क में ही दिखेगा, मैं उतार भी सकती हूँ, कोई चक्कर नहीं है, बट मैं ना मास्क लगा के थोड़ा कंफर्टेबल रहती हूँ, दैट्स व्हाई मैं मास्क लगा के रखती हूँ। तो यहाँ पे एक हाईवे और आपको समोसा एक्सप्रेस भी मिलेगा। आप यहाँ पे भी आके विजिट कर सकते हैं, कुछ खा सकते हैं। उस पुल पे कोई जाता तो क्या करता, सड़क पर नहीं जाता, वहाँ से चलाओ सीधा। मेरी बहन का कहना है कि अगर उस पुल पे कोई जाता है, वो सामने आपको पुल दिख रहा है, ये बोलती क्योंकि इस पुल के आगे कोई रास्ता नहीं है ना, ये यहीं पे एंड हो जाता है। सी तो बहन कह रही है कि अगर इस पुल पे कोई जाता है तो सुसाइड करने के लिए जाता है। ये मुझे बिल्कुल शूट नहीं करने दे रही है, कह रही है दीदी लोग देख रहे हैं। तो यार अब मैं क्या छुप के बनाऊँ कहीं पे, ये बता, बताना नहीं बताना कहाँ जा रही है, बोलना छुप के बनाऊँ क्या चाहती है तू, है शर्मिंदी मोटी सी एक छपरी व्लॉगर ज़्यादा बड़ा ना समझो। ऐसा कुछ नहीं है, मेरी खुद की बहन नहीं मेरी बेइज्जती करती। देख ऐसा है, मेरे पास ना इतने फजूल के पैसे नहीं है कि तू तेरी जिस चीज़ पर नज़र पड़े और बच्चे उठा के। वो दिख रहा है आपको, वो रुका हुआ है वहाँ पे, तो वो आ रहा है, आ रहा है, यस आ गया। फाइनली ऑटो आ गया है, अब हम ऑटो में बैठ के जाएंगे घर। खाती हूँ नहीं, पहले हम इस क्वार्टर में रहते थे, ये जो क्वार्टर है यहाँ पे, फिर हमने चेंज कर दिया, फिर हम इससे आगे वाले क्वार्टर में शिफ्ट हो गए, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। वे अंदर क्वार्टर है तो उसका गेट ये है, तो यहाँ से अंदर हम रहते होते थे, तो मैं यहीं पे पैदा हुई थी। तो हम पहुँच गए अपने मोहल्ले में, मैं दिखाती हूँ। हाँ तो ये हमारा मोहल्ला है, इधर से नहीं सीधे, इसको घुसने की आदत है हर जगह, ये गली, ये इस गली से वैसे सेम ही है, मतलब कोई शॉर्टकट वगैरह नहीं है, बट उसको आदत है।
आदत से मजबूर जो लोग होते हैं उनका कुछ नहीं कर सकते। यहाँ से निकली आके अब तो मैं घर पहुँच चुकी, अंदर जाती हूँ फिर उसके बाद मैं आपको आगे का बताती हूँ। जाने दो बेचारे छोटे को, ओके उसको वहाँ जाना था तो मैं आपको आगे बताती हूँ। फाइनली अब हम घर आ चुके हैं और बैठ चुके हैं, एकदम रिलैक्स हो गए। तो मज़ा आया आज मुझे एंड मैंने संडे इंजॉय किया अच्छे से। तो आज की ब्लॉग की एंडिंग करते हैं यहीं पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और वीडियो अच्छा लगा हुआ उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं मेरे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।